मेहनत के द्वारा, और आपने ये जो 100-125 लड़के लगा रखे हैं जो सफाई के लिए, तो सर ये आपके मन में कैसे विचार आया कि हम संसद मार्ग पे ये जो व्यवस्था है यहाँ सब अपने लोग, आपने सफाई की व्यवस्था कैसे मन में आई? लेकिन मेरे मन में नहीं आया, मेरे मन में बाद में आया है। पिछली बार मेरी मिसिज हैं जी विमला, वो लेक्चरार हैं कॉमर्स के दिल्ली गवर्नमेंट में जी। वो जब आती थी तो यहाँ देखती थी कि जो कूड़ा है और जो डोने हैं और बाबा साहब के पंपलैंड हैं वो नीचे पड़े रहते थे और पैर में कुचलते रहते थे जी। पिछले साल उन्होंने कहा कि भाई आप इस काम करके देखिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं पैसे दूँगी। तो उन्होंने 25 लड़के हमने हायर करे, 25 लड़कों को ड्रेस पहनाई, कुछ पॉलीथीन लाए, तो वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ और लोगों ने उसके लिए बड़ी अप्रिसिएट करा के भाई ये तो बहुत अच्छा काम है क्लीनिंग का। लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए ही इस बार हमने बहुत लार्ज स्केल पर किया हुआ है। 1 क्विंटल पॉलीथीन लाए हैं और 50-60 लड़के छोड़े हुए हैं ड्रेस पहन के, जाटव प्रगतिशील संघ एवं वामशिव दिल्ली प्रदेश की तरफ से, और 4 सुपरवाइजर हैं। 25 लड़कों पे एक सुपरवाइज़र है, ऐसे ही 25 पे एक सुपरवाइज़र है, और जहाँ पॉलीथीन डाल रहे हैं वहाँ भी हम क्वांट कर रहे हैं क्वांटिटी कितनी डाल रही है, कि भाई डाल भी रहा है कोई या नहीं डाल रहा है। इसमें एक स्वच्छता अभियान है, सफाई है, ये बाबा साहब की देन है। इस पर अगर हम अपनी जेब से कुछ भी लगा देंगे तो सब कुछ बाबा साहब का ही है। और एक ही हमारा त्यौहार आता है जो 14 अप्रैल है, बाकी तो किसी त्यौहारों को मनाते नहीं है, चाहे जन्माष्टमी हो चाहे नवरात्रे हो, हमें उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज के दिन हम तन मन धन से लगे रहते हैं और 4 दिन से मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। 10 तारीख को 12 बजे गया हूँ और कल भी यहाँ पे टेंट वेंट लगा के गए हैं। सुबह व्यवस्था लड़कों की करी है, आपने देखा होगा सारे लड़के घूम रहे हैं और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। उनको खाना भी खिलाएंगे, और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हायर कर लिए, उनको पैसे भी देंगे 700-700 रुपये। उनको गाड़ी एक मैंने अरेंज करी है, जो गाड़ी लेकर आई है, उनको वर्दी पहनाई है और उनको खाने की व्यवस्था करी है। तो मतलब पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अगर कुछ कमी रह जाएगी तो आप लोग बताओ, स्वच्छता अभियान कमी आगे से और कुछ उसके लिए थोड़ा मतलब और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा पता लगे कि ठीक कर रहे हैं काम हम या नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ कमी भी है तो उसके बारे में बताएं, मैं कोशिश करूँगा करने के लिए, ठीक करने के लिए। ये अशोक जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने जो ये बीड़ा उठाया है। आप एक इंजीनियर होने के बावजूद मैंने देखा कि आप उनके साथ साथ काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो एक जो शिक्षा का दिया था वो तो लोग कामयाब हो चुके हैं शायद, और संगठित होने की थोड़ी सी विडम्बना चल रही है, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि संगठित तो होने लगे? आपने 2 तारीख का देखा था, बहुत फर्क पड़ रहा, संगठित हो गए। 2 तारीख को संगठित हो गए, 2 तारीख को संगठित हो गए। जो भारत में जब से देश आज़ाद हुआ है, आपने देखा होगा SC ST OBC का ये पहला आंदोलन था जो सक्सेसफुल हुआ है, बगैर किसी नेता के, बगैर किसी मंत्री के, बगैर किसी मिनिस्टर के, चाहे सेंटर का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो जी। और अब ये जगा दिए हैं सोते हुए। मैंने 27 तारीख को भी एक जब PM हाउस में गए थे, आपको बात करी थी आपने मुझसे, हमने कहा था जाग जाएंगे, तो कुछ जाग गए हैं। जाग करके इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, वो सक्सेसफुल है, इसे नींद उड़ी हुई है सबकी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे राष्ट्रपति जी हों, सबकी नींद उड़ी हुई है। और इसी मद्देनजर रखते हुए इस बार पार्लियामेंट में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कि कोई दूसरे लोग आकर के कुछ गड़बड़ ना करें, और जब गड़बड़ करेंगे तो एकदम दंगा ना फैल जाए। दंगे में और लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई दंगा फैला दो, नाम इनका हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट में कुछ भी दंगा नहीं होगा। लेकिन सर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 2 तारीख को सारे लोग एक हो गए, लेकिन 2 तारीख के बाद में जो अम्बेडकर वादी हैं या जो बहुजन के लोग हैं उन्हें टारगेट बना के लिस्ट बना रखी है, उनके घर पर छापेमारी हो रही है, उनकी महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, और यहाँ तक कि उन पर ऐसी ऐसी धाराएँ लगाई जा रही हैं कि ये लोग इस तरीके का आंदोलन कभी ना करें। मुझे कुछ पता लगी है, ऐसे हापुड़ में हो रहा है, हापुड़ में एक मोहल्ला है वो खाली कर दिया, लेडीज़ है वहाँ पे, कुछ मेरठ में भी है, कुछ एक गांव है जडौल हमारे बुलंदशहर में ही, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही चल रही है, लेकिन कुछ दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक साथ जुड़ जाएंगे, एक साथ जाग जाएंगे तो पूरे तख्ता ही पलट देंगे। तो तंग करने दो, तंग करने की तो उनकी आदत है, नेचर है, कि जहाँ अकेला मिले मेरा नाम ले दो, कोई पकड़ लो, मुझे जेल में ठोक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कोई जमानत करा लेगा, 6 महीने रह लूँगा। क्या है कि ये जो बैठे ना MP, फिर मैं कहूँगा किस दिन रामलीला मैदान में ये क्या है, जब इनके शेड्यूल कास्टों के बारे में बताऊँगा जो MP बने बैठे हैं, तो सब देखना कि एकदम ही तख्ता पलट जाएगा।